पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि आज़ादी मार्च के लिए पूरा मुल्क तैयार है और सारी दुनिया देखेगी कैसे जिंदा कौमें अपने हुकूक के लिए खड़ी हो जाती हैं। 26 नवंबर को सारी कौम अपने लीडर के साथ खड़ी होगी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए जरताज गुल ने कहा कि अगर बहादुरी की कोई ज़िंदा मिसाल है तो वो इमरान खान हैं। 26 नवंबर को खान साहब की सिक्योरिटी के मामलात पार्टी और पंजाब हुकूमत देखेगी, मगर आज के दौर में शहबाज शरीफ और इनके साथियों ने पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दिया है। यहाँ किसी की जान माल महफूज नहीं। आज़ादी मार्च के लिए तो पूरा मुल्क और पूरा पाकिस्तान तैयार है। इमरान खान आ रहा है और पूरा पाकिस्तान आ रहा है, वो तो दुनिया देखेगी कि जिंदा कौमें किस तरह अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक माफिया के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और एक बहादुर सच्चे लीडर के पीछे किस तरह पूरी कौम खड़ी होती है। ये तो इंशाल्लाह आप लोग 26 नवंबर को देखेंगे। इस कदर वो बहादुर है कि अगर बहादुरी की कोई मिसाल इस वक्त जिंदा मौजूद है तो वो इमरान खान है। तो वो बहादुर कौम के बहादुर लीडर है और सच्चे लीडर है। ये जो सिक्योरिटी और ये मामला तो चलें, वो तो हमारी पार्टी भी देखेगी और हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो भी देखेगी। पाकिस्तान को एक ऐसा नो गो एरिया बना दिया गया इस जत्थे ने, इस माफिया ने, राणा सनाउल्ला ने, शहबाज शरीफ ने। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई महफूज नहीं है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहे। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किल, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।